पूरे चेंबर किनारे पे दिए हैं दोनों तरफ, उधर वो सलीम भाई ने इंक्रोच कर लिए, ये आपको अधिकार नहीं इंक्रोच करने का, आपके रजिस्ट्री पे भी उतनी जमीन लिखी हुई नहीं है। गटर लाइन को लेकर चल रहा दो गुटों में विवाद, आदिवासी दलित और मुस्लिम समाज को गटर लाइन बनाने से रोकने का मामला आया सामने। नहीं उतर रहा जातिवाद का भूत, ग्राम पंचायत से लेकर आला अधिकारियों की बातों को भी अनदेखा करने की आ रही जानकारी। कल 5 सितंबर को पुलिस प्रोटेक्शन में होगा गटर निर्माण का कार्य, क्या है पूरा मामला देखिए हमारे इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, हम किसी भी तरह से जातिवाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जो घटना सामने आ रही है वो जातिवाद से ओतप्रोत है। आदिवासी दलित समाज से छुआछूत तिरस्कार करना कोई नया नहीं, यहाँ आए दिन देश के कोने कोने से ऐसी खबरें सार्वजनिक होती रहती है। इसी बीच चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर पुलिस थाना इलाके से आई यह खबर छुआछूत तिरस्कार और जातिवाद जैसी कहानी से रूबरू कराती है। हाल ही में बल्लाशाह पुलिस थाना इलाके में एक महिला न्यायाधीश के पति ने एक दलित शख्स को उसकी जाति को लेकर काफी भला बुरा कहा, जिसके बाद उस न्यायाधीश के पति जिसका नाम दिलीप मेघानी है उस पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अब जो मामला चंद्रपुर के दुर्गापुर पुलिस थाना इलाके से सामने आया है वो भी जातिवाद से जुड़ा नजर आ रहा है। यहाँ के आयुष नगर निवासी एक आदिवासी परिवार समेत दलित और मुस्लिम परिवार को गटर लाइन बनाने से रोकने की वारदात सामने आई है, जिसके लिए पीड़ित परिवारों ने स्थानीय ऊर्जा नगर ग्राम पंचायत समेत सभी आला अधिकारियों से न्याय के लिए गुहार लगाई है। शिकायत के बाद कई अधिकारियों ने आयुष नगर में दस्तक दी। गटर लाइन बनाने के लिए संबंधित शख्स को सूचना करते हुए बोबड़े को किसी भी तरह की बाधा निर्माण न करने का फरमान सुनाया, किंतु अधिकारियों के सूचना को उस बोबड़े नामक जातिवादी शख्स ने अनसुना कर दिया। पुलिस की ओर से भी देवीदास बोबड़े नामक जाति भेद करने वाले शख्स को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बोबड़े टस से मस नहीं हुआ। दुर्गापुर पुलिस थाना इलाके में आने वाली आयुष नगर कॉलोनी, जिसे ठक्कर बिल्डर ने काफी वर्षों पहले निर्माण किया था, जहां कोई एक विशिष्ट जाति या धर्म के नहीं बल्कि सर्वधर्मीय लोग मिलजुल कर रहते हैं, किंतु देवीदास बोबड़े नामक एक ऐसा शख्स है जो जातिवाद को यहां बढ़ावा दे रहा है। आयुष नगर निवासी एक आदिवासी महिला समेत दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों को गटर लाइन बनाने से रोकना, वो भी तब जब वो जमीन महज गटर लाइन की हो, ऐसे में उस जमीन पर अतिक्रमण कर उस जमीन पर अपना हक जताने वाले देवीदास बोबड़े को स्थानीय ग्राम पंचायत ने लिखित में सूचना दी है। आपको जानकारी दे दे कि आदिवासी महिला के घर से गई हुई गटर लाइन को चौकअप करने का काम भी इसी बोबड़े नामक शख्स ने करने का आरोप पीड़ित आदिवासी महिला ने लगाया है। दुर्गापुर पुलिस थाने में चल रहा यह विवाद किसी जातिवाद और छुआछूत की बीमारी से कम नहीं, जिस पर कानूनी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। आदिवासी महिला की शिकायत के बाद स्थानीय ग्राम पंचायत ने देवीदास बोबड़े नामक जातिवादी शख्स का अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कल यानी 5 सितंबर को पुलिस के बंदोबस्त में गटर लाइन बिछाने का काम किया जाएगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। टीम VL 24 न्यूज़।